हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक। आप सभी ने ये न्यूज़ जो है अभी तक सुन लिया होगा कि रसिया जो है ऑन टाइम S-400 की डिलीवरी जो है वो इंडिया में भेजने वाला है। और ये जो टाइमिंग था वो था कि 2021 के एंड से पहले जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगा S-400 की। और आपको अभी तक पता होगा कि इंडिया जो है वो टोटल 5 यूनिट जो है वो S-400 की बाय कर रखा है, और टोटल जो कीमत है वो तकरीबन 35,000 करोड़ की जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये इंडिया के पोजीशन को किस तरह से जो है वो चेंज कर सकता है, इसके क्या क्या सीनरियो हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले से तकरीबन अब जो है वो 2 साल होने ही वाले हैं कि जो चाइना के साथ हमारा स्टैंडअप जो है वो लद्दाख पे और साथ में अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में जो है वो चल रहा है। और साथ में आप देखेंगे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसा वोलेटाइल कंट्री है जो कि बड़े हमले तो नहीं कर सकता इंडिया पे, क्योंकि उसे पता है, लेकिन छोटे मोटे जो हमले हैं वो करते रहते हैं। और साथ में इंडिया का डर बना रहता है कि कभी भी टू फ्रंटियर जो वार है, जैसे कि एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो है वो डर बना रहता है, तो ये डर जो है वो कभी भी हो सकता है कि चाइना जो कहेगा पाकिस्तान वो कहेगा। हालांकि चाइना भी अभी भी जो है वो खुलकर सामने लड़ने के लिए इंडिया से नहीं आएगा, बस वो स्टैंड अप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो अभी सीनरियो बनता है, जो कि एक हाइपोथेटिकल है अभी के लिए कि दोनों कंट्री जो है वो एक साथ युद्ध के लिए जो है वो इंडिया के साथ आए, तो अगर ऐसा सीनरियो बनता है तो वैसे सीनरियो में जो है S-400 हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर जो है वो बन सकता है। और इस चीज़ हमें देखने को मिल गया कि चाइना जो है वो, आपको पता होगा कि S-400 चाइना के पास पहले से है, इंडिया में अभी डिलीवरी होना शुरू हो रहा है, लेकिन चाइना में ये चीज़ें जो है वो पहले से है, क्योंकि चाइना जो है वो सबसे पहले बाय कर रखा है। इसके अलावा 2 यूनिट आप देखोगे तो वो लद्दाख वाले जो इलाके हैं वहाँ पे 2 यूनिट S-400 का चाइना पहले से डिप्लॉय कर रखा है। और इसका मतलब यह है कि जब भी हम अगर चाइना पे आक्रमण करने जाएंगे तो वो S-400 से उसे डिफेंड कर सकते हैं। हमारे पास जो है और भी सिस्टम जो लोकल थे, जैसे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और भी जो है वो बॉर्डर पर डिप्लॉय है। लेकिन अगर S-400 हमारे पास आता है तो इससे ये होगा कि जो हमारा डिफेंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा इसमें। उस एज को कैसे जो है वो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं उसको हमने वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरा कम्प्लीट एनालिसिस जो है इसका आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं तो ये आप देखोगे कि ये जो है ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो है आपको देखने को मिल गए हैं कि रसिया जो है वो S-400 की डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और अगर हम S-400 की बात करते हैं तो ये जो कन्फर्मेशन है ये ना केवल मीडिया के थ्रू बल्कि आप रसिया गवर्नमेंट के आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है ये ऑफिशियल कमिटमेंट जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है कि जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो गया है। जो फर्स्ट 2 यूनिट है ये जो है आपको इस साल से पहले ही जो मिल जाएंगे और डिप्लॉय हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये इंडिया को किस तरह से जो इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास वार के जो पॉसिबिलिटी बनते हैं वो 2 रीजन है। एक बनता है ऊपर हमारा नॉर्थन वाला रीजन जो कि तिब्बत वाला इलाका है जहाँ पे चाइना जो है वो कब्जा रखा है, और चाइना जो है वो हमेशा उल्टा सीधा कहते रहता है कि कभी अरुणाचल प्रदेश जो है ये तिब्बत का पार्ट है तो हमने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश हमारा हुआ, हालांकि है हमारे बस में और उसे हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। तो स्टैंड अप जो है आपको यहाँ भी से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो लद्दाख वाला इलाका है वहाँ भी आपको जो है स्टैंड अप, आपको पता है चाइना जो है वो बहुत दिनों से कर रखा है, और छोटा मोटा जो है आप देखोगे जो गोरिल्ला टाइप वार होते हैं वो भी जो है वो देखने को मिल रखा है, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर भी जो है वो भी शहीद हुए और बहुत सारे जो चाइनीज सोल्जर है वो भी मारे गए। अब यहाँ पे एक लार्ज स्केल जब वार की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इंडिया को डर इस बात का रहता है कि जो नॉर्थन रीजन है वहाँ तो चाइना की सेना जो है वो अपनी दबदबा बनाए हुई है। इंडिया के पास डिफ़िकल्टी है कि ये वाला रीजन जो है वो माउंटेनियस रीजन है, और इस माउंटेनियस रीजन में दिक्कत ये आती है कि अगर कभी टू फ्रंटियर वार की जो है पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे दोनों जो नेवर हैं वो ऐसे हैं जो कि काफ़ी वोलेटाइल हैं, उनके मूव को जो है वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे इधर से पाकिस्तान है जो कि डर तो यही रहता है कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो आपको डायरेक्ट अटैक जो है वो इंडिया पे कभी भी करेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा जो है वो चिंदी चोरी वाला जो है वो टेररिस्ट भेजते रहते हैं और अटैक करते रहते हैं। लेकिन अगर चाइना जो है वो कभी इधर से अटैक करता है तो पाकिस्तान जो है उसके समर्थन में ज़रूर उतरेगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट एक कॉलोनी के रूप में जो है वो चाइना का काम कर रहा है। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि टू फ्रंटियर वार के जो है वो खतरे बनते हैं, तो अगर
इन दोनों के साथ यहाँ पे जो है हमारे पास S-400 रहता है, तो जो मिसाइल की पॉसिबिलिटी है वो इधर से भी, या फिर जो पाकिस्तान वाले इलाके से हो या फिर आपको चाइना वाले इलाके से हो, तो यहाँ से जो है हमें डिफेंड करने की जो है वो बहुत बड़ी एक एज मिल जाएगी। और इस एज के साथ अगर हमारे पास एक दूसरा डिफेंस जो S-400 है वो अगर वो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में रहता है, तो हम उधर की जो कैपेबिलिटी है, उधर का जो पॉसिबिलिटी है, उसको भी जो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है एज मिल जाएगा। बाकी जो 3 यूनिट होंगे वो हम कहीं भी डिप्लॉय करें, वो जो है वो हमारी मर्जी, हम दूसरा राजस्थान में डाल सकते हैं या फिर गुजरात में डाल सकते हैं, ताकि इधर से जो पॉसिबिलिटी हो उसको भी एलिमिनेट किया जा सके। तो इस तरह का जो है एज हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। और जब S-400 की बात करोगे तो S-400 में आप देखोगे जो 400 है, ये 400 की जो ऊंचाई है उसको जो है ये कैपेबल है कि किसी भी तरह का जो है इस रेंज में आपको एनिमी के किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट हो, उसे जो है ये मार गिरा सकता है, और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ी जो है एज मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये चाइना के पास भी जो है ये भी है, और चाइना जो है ऑलरेडी लद्दाख में 2 यूनिट जो है वो S-400 का डिप्लॉय कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी को जो है वो इन्हेंस कैसे होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे इस पे जो सिस्टम होते हैं वो मेनली 2 सिस्टम जो है वो काम करता है। पहला जो इसका रेडार है वो 400 के अंदर जो भी चीज़ें जो है वो आती है इसके रेंज में, उसको जो है ट्रैक करता है। अगर वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो जो उसका लॉन्च व्हीकल है वो जो है वो मिसाइल लॉन्च करता है, और इस 400 के अंदर रेंज में जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है वो एक्यूरेट है, और ये डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकता है। तो इस तरह से जो है इसका कुछ ऑपरेटिंग जो है वो ऑपरेशन रहता है, जहाँ पे आप देखोगे एक सर्विलियंस रडार रहता है, उसके अलावा एक कमांड व्हीकल रहता है जहाँ से ये सारे चीज़ें ट्रैक करके कमांड दिया जाता है। इसके अलावा एक इंगेजमेंट रडार रहता है जो कि ये ट्रैक करते रहता है कि ये चीज़ें जो आ रही है एनिमल व्हीकल ये कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, और जो मिसाइल है ये कहाँ पे जो है इसे टकराएगी। तो ये इंगेजमेंट रडार है जो इसे ट्रैक करते रहता है। और इसी तरह एक लॉन्च व्हीकल होता है जो कि जहाँ से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाता है, जहाँ पे आप इस यूनिट को डिप्लॉय करते हो वहाँ से ये लॉन्च होगा। अब हम बात करते हैं जो S-400 का जो डिप्लॉयमेंट है, फर्स्ट यूनिट ये सबसे पहले जो है वो आपको एक क्लोज लोकेशन पे जो वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जो बॉर्डर होगा ये होगा पाकिस्तान और चाइना का जो कंबाइंड बॉर्डर, आप देखोगे नॉर्थन रीजन जो होगा कश्मीर वाला, वहाँ पे जो है ये डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि वहाँ से जो लद्दाख वाला थ्रेड है उसको भी एलिमिनेट किया जा सके और जो पाकिस्तान से थ्रेड है उसको भी एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक तीर से 2 निशान जो है वो किया जा सके। जो दूसरा यूनिट होगा वो जो है आपको अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में देखने को मिल सकता है, और जो तीसरा यूनिट होगा वो गुजरात या राजस्थान वाले इलाके में देखने को मिल सकता है। बाकी जो 2 यूनिट होगा वो हम कहीं भी जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे एक हम सेंटर में रख सकते हैं दिल्ली में, और बाकी जो है एक हमने साउथ में जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है टोटल 5 यूनिट जो है हमें मिलेगी, जो कि इस साल से शुरुआत हो चुकी है और अगले साल तक डिलीवर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं तो टोटल, अब बजट की बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे टोटल जो है टोटल 5 यूनिट जो है ये हमने रसिया से बाय किया है, और ये है टोटल 35,000 करोड़ की आसपास की। इसके अलावा जब भी ये डिलीवरी हो रही थी, जब भी ये बाय हो रहा था, तो उस समय आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो हो चल रहा था कि इंडिया जो है ये बाय करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इंडिया की जो थ्रेट है वो 2 कंट्री बहुत ही ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव है, एक चाइना और एक पाकिस्तान, दोनों जो है वो बहुत ही एक वोलेटाइल है और एक जो है वो एग्रेसिव है, यानी कि संतुलन जो है आप देखोगे कि आपको पाकिस्तान में कोई संतुलन जो है वो देखने को मिलेगा नहीं, और चाइना जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच जो है वो अपनाता है। तो वैसे में जब हमारे एनिमी ऐसे हो तो हमें S-400 जो है वो चाहिए, कुछ ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जिनसे हम ना केवल सुरक्षा कर सके बल्कि एक मुंहतोड़ जवाब भी जो है वो दे सके, और ऐसे में S-400 जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और इसके अलावा आप देखोगे जो कैट्सा है, जो यूएसए का कैट्सा लॉ है, इसके अंदर भी जो है अभी भी इंडिया पे जो है वो सेंक्शन लगाने की बात चल सकती है जब भी ये डिलीवरी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो आप देखोगे कि जिसने भी चाइना ने जब S-400 बाय किया था चाइना पे जो है वो सेंक्शन लगा था। तो ये चीज़ें इंडिया को जो है, हालांकि अभी तक जब देखोगे जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो थोड़ा वेवर मिला था, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है वो वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको जो है हम लोग डिलीवर होने के बाद अगर कुछ ऐसा न्यूज़ होता है तो हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखोगे कि ये जो S-400 की डिलीवरी है ये बहुत ही एक आसानी से इंडिया को एज देता है,
ताकि जो भी मिसाइल होंगे, एनिमी के एयरक्राफ्ट होंगे, क्रूज मिसाइल होंगे, ये अप टू 400 किलोमीटर के जो रेंज होगा जहाँ से ये डिप्लॉय होगा, वहाँ से ये आसानी से इस टारगेट को जो है वो डिलीवर जो है वो कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस सिस्टम में जो है आप देखो जो 4 डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट लगे होते हैं, जहाँ पे एक जो इंगेजमेंट एनिमी एयरक्राफ्ट होता है, ब्लास्टिक मिसाइल होता है, एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम होता है, ये जो अप टू 400 किलोमीटर तक होते हैं, 250 किलोमीटर तक होते हैं, मीडियम रेंज में जो है वो 120 किलोमीटर तक होते हैं, और शॉर्ट रेंज में 140 किलोमीटर तक जो है ये होते हैं, उन सबको जो भी थ्रेट है ये एलिमिनेट कर सकता है। तो इस तरह से जो भी ये सिस्टम जो हमने बाय किया हो, और जब भी ये सिस्टम जो है वो अप्लाई हो जाता है, तो ऑफकोर्स इंडिया को एक बहुत बड़ा जो है वो एज मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है, तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आप एग्जामिक टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।